जम्मू प्रचार वक्षणम उमास कम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि वीरेश्वर सर्वात मंजम। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्म वंदनीय सभी जितने भी हमारे प्रोज जी है, विश्वविद्यालय के अपने बहन जी है, लाल सिंह जी, गर्ग साहब और ये वेदांगनी कला संस्थान जालौर, ये प्राचीन काल से ही जैसे गरबा की जो परंपरा होती है, उस परंपराओं को आप देखेंगे तो महिषासुर मर्दिनी का जो उनका एक रूप होता है, जो महिषासुर का वध किया था, वो वध करने के बाद में सब देवताओं ने नृत्य किया था, तो उसकी परंपराओं में गुजरात से लेकर अब तो पूरा भारत में भी एक गरबा का वो एक दिव्य रूप मनाया जाता है, क्योंकि वो इस रूप में जो है बोलते हैं कि हमारा जो है नौ देवियों का अलग अलग रूप है कि प्रथम सरस्वती द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रगढ़ दुष्मान प्रथम कुमारी प्रथम स्कंद माता सहित कैत्यन सप्तम कालरात्रि अष्टम माघोर नवम सिद्धार्थी, ये नौ देवियों का अलग अलग पूजा। और यहाँ मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी है, बच्चियाँ भी है और माता लोग भी है, बड़ा भाव से जो है हमारा भारत भूमि वो हमेशा से ही त्योहारों का है, रंगों का है, ये भारत भूमि हमेशा से भाव से भरा हुआ है। यहाँ हम भाव प्राप्त होते हैं क्योंकि भाव है, समर्पण है। ये जालौर की जो भूमि है वो ऋषियों की भूमि भी है, देव भूमि भी है, संतों की भूमि भी है, वीरों की भूमि भी है, वीरांगना की भूमि भी है। तो ये संपूर्ण जो है इसमें बहुत सारे तत्व इस पृथ्वी पर मिले हुए हैं, इस भूमि में मिले हुए हैं। तो जालौर का ये जो गरबा कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं, मधु शर्मा जी और भी उनका जो टीम है, अनिल शर्मा जी और भी बहुत से यहाँ पर सभी बंधु जुड़े हुए हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ कि माता जो है उस कल्याण के लिए होती है। सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार साधी के शरण धर्म की गोरी नारायणी नमस्ते, सबका कल्याण हो ऐसा भाव माँ के मन में रहता है। और ये हमारा भारत भूमि पर हम जितने भी उत्सव है प्रत्येक दिन हम उत्सव मनाते हैं, हमारा कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब उत्सव से पूर्ण रूप नहीं होते हैं। तो इसीलिए भारत को, संपूर्ण भारत को वो पूर्ण बोला गया कि ये विश्व को जो है मार्ग दर्शक दे सकता है, मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि करोड़ों वर्षों का अंधेरा और वहाँ पर जो है आप एक माचिस का दिया जला दें या एक दीपक जला दें या मोमबत्ती जला दें तो क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है। तो भारत हमेशा से सबको प्रकाश देने वाला है, अंधेरे को दूर करने वाला है। और ये शक्ति उपासना का जो समय है वो शक्ति को अर्जित करने का, आनंद लेने का और उत्सव मनाने का है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को हम मंगल कामना करते हैं। हरिओम जय। बहुत आभार परम श्रद्धेय गुरुदेव का, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद हमारे प्रधारी हुए सभी साथियों का। और आइए ये कार्यक्रम हम आपके बीच में लिए चलते हैं, आपके बीच